तो जॉन विक 5 को लेके एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट आई है जो कि आप लोगों को जानना इम्पोर्टेंट होगा। और इसके अलावा टॉम क्रूज़ की नेक्स्ट मूवी भी कंफर्म हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग वेनम द लास्ट डांस से स्टार्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट ये वाली मूवी रिलीज़ हुई है, आप लोगों को यहाँ पर रिव्यू मिल जाएगा। तो इसका अगर जो बॉक्स ऑफिस है, इसने 3 दिनों के अंदर रह के डोमेस्टिकली तो सबसे पहले $8.5 मिलियन का बिजनेस किया है, जो कि इस पूरी ट्रोलॉजी में सबसे लोवेस्ट बिजनेस है अभी तक ओपनिंग में। और सेकेंडरी इसके अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो इस वाली मूवी ने $35.8 मिलियन का बिजनेस कर लिया है 3 दिनों के अंदर रह के, जो कि उतना कुछ ज़्यादा ग्रेट भी नहीं है, बस सही सा है। तो मुझे लगता है कि ये वाली मूवी अपनी बजट को तो कर ही पाएगी उसके आसपास रह के। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। और वेनम द लास्ट डांस की बात हो रही है तो इसको जो रोटेन टोमेटोज में इसकी रेटिंग भी आ गई है, तो इसको जो है ना यहाँ पर 36% की रेटिंग दी गई है क्रिटिक्स की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और ये सेकेंड नंबर पर है इस पूरी ट्रोलॉजी में। अगली अपडेट की तरफ आ जाते हैं तो ये स्पाइडरमैन से अपडेटिंग का करा रही हैं। तो वेल ये वाला जो वीक था ये स्पाइडरमैन का ही वीक था, ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो टॉम हॉलैंड ने जिमी फैलन के शो में इस वाली बात को खुद ही कंफर्म कर दिया है, स्पाइडरमैन 4 मूवीज हैपनिंग, और ये वाली मूवी जो है हमें 2026 में देखने को मिलेगी। July 24, 2026 इस मूवी की रिलीज डेट होने जा रही है। और इन्होंने इस वाली बात को भी कंफर्म किया है कि नेक्स्ट समर इस वाली मूवी की जो शूटिंग है फिल्मिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। वेल हम सबको अनऑफिशियली तो पता ही था कि ये वाली मूवी इस टाइम अपने प्री प्रोडक्शन में है, तो टॉम हॉलैंड ने भी इस वाली बात को कंफर्म कर दिया। और मैं भी ये लिस्ट चेक कर ही रहा था जो मेरे सामने है, 2026 में टॉम हॉलैंड की 3 मेजर मूवीज आ रही हैं। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन 4 अवेंजर्स डूम्सडे भी रिलीज हो रही है 2026 में, जहां पर ऑफकोर्स टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हो गई। और क्रिस्टोफर नोलन की जो एक अनटाइटल्ड मूवी होने जा रही है वो भी हमें 2026 में देखने को मिलेगी। तो वेल 2026 तो टॉम हॉलैंड का ही साल होने जा रहा है। अगली अपडेट की तरफ आ जाते हैं तो ये पेंगुइन सीरीज से निकल कर आ रही है, तो पेंगुइन सीरीज से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, अगर आप इसको ये नाम देना चाहें। तो यहाँ पर जो बैटमैन मूवी में एक्टर देखने को मिले थे जॉन टर्टूरो, जिन्होंने कालमाइन फैल्कन का करेक्टर प्ले किया था बैटमैन मूवी में, आप लोगों को पता है कि उन्होंने पेंगुइन सीरीज में अपने रोल में रिटर्न नहीं किया। तो उन्होंने इस वाली बात को बताया कि 2 ऐसी रीजंस थी जो मैंने इस वाले रोल में रिटर्न नहीं किया। पहली रीजन उन्होंने ये बताई है कि जो पेंगुइन सीरीज है इसमें जो है ना वुमेंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा हेट थी, काफ़ी हेट दी जा रही थी, मतलब हेट दिखाई जा रही थी, इस वजह से मैंने इस वाले करेक्टर मैंने रिटर्न नहीं किया। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि सिर्फ यही वजह नहीं थी, मेरी दूसरी प्रोजेक्ट्स भी थे तो शेड्यूलिंग का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, मगर जो पहली रीज़न है ना वो यहाँ पर सबसे मेजर रीज़न थी। और इसके बाद से जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना भड़क उठे, और जो पेंगुइन के क्रिएटर्स हैं उन्होंने इस वाली बात को जो है ना काउंटर कर, तो इस वाली बात को ये बोला, एड्रेस किया जॉन टर्टूरो, उनकी जो है ना बात को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो भी फैसला किया, उनके पास की कोई भी प्रॉब्लम रही है हम इस वाली चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। और आगे उन्होंने मज़ीद ये बोला है कि हम यही चाहते हैं कि अभी तक जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं पेंगुइन पे, लोग उसके साथ अटैच रहें और लोग जो है ना देखें कि हम आगे क्या करते हैं। तो वेल ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है कि पेंगुइन के क्रिएटर्स की तरफ से उन्होंने जो है ना अननेसेसरी यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी या कोई अननेसेसरी चीज़ें ऐड करने की कोशिश नहीं की। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है नन अदर देन डिज्नी से। तो आप लोगों को पता होगा कि AI के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट रिसेंटली स्ट्राइक भी हुई थी कि कैसे यहाँ पर AI का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है मूवीज़ को बनाने में, और ख़ास तौर पर पोस्ट प्रोडक्शन में। तो अभी रिसेंटली जो है ना ये एक अपडेट निकल कर आई है, इसको कन्फर्म नहीं भी किया जा सकता, मगर ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जो डिज्नी है वो यहाँ पर जो है ना एक इनिशिएटिव लेने जा रहा है AI की तरफ से, और इसका जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रहा है वो यहाँ पर इसके आउटपुट में होने जा रहा है, यानी कि हमें जो विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है ना इसमें AI का हमें यूज़ देखने को मिलेगा। वेल ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से स्ट्राइक भी हुई थी, बातें भी हुई थी। तो जैसे जैसे इसके हवाले से मज़ीद अपडेट्स आती है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अगली अपडेट की तरफ आएँ तो ये आप लोगों को खुश कर देगी, वेल खुशी वाली अपडेट है, किंगडम्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी जो कि हमें देखने को मिली थी, तो उसका जो सीक्वल है उसको यहाँ पर ग्रीन लाइट दे दी गई, ये कंफर्म कर दिया गया है। और ये जो इसका सीक्वल है ये हमें 2027 में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स की। नंबर वन यहाँ पर किलियन मर्फी से अपडेट है, तो सबसे पहले तो आप ये किलियन मर्फी की तस्वीर चेक करें जो कि इस टाइम आप लोगों के सामने आ रही होगी। वेल थोड़े से हमें ये अलग देखने को मिल रहे हैं, और अलग इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कलेंट्री जो है ना ये पीकी ब्लाइंडर्स की प्रोडक्शन पर, यानी कि उसकी फिल्मिंग पर है, और उसके सेट से
भी लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट लुक आए हैं, जो कि मैं ऑफकोर्स कॉपीराइट की तरफ से शायद दिखा नहीं सकता, मगर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि किलियन मर्फी यहाँ पर अपनी जो एक उनकी मूवी आने वाली है उसके प्रीमियर में थे यहाँ पर। मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूँ फिजिकली तो किलियन मर्फी यहीं पर है, मगर मेंटली ये जो है ना बिल्कुल थॉमस शेल्बी के रोल में है। वो आप लोग इनकी जो है ना शक्ल देख के सही तरह से बता भी सकते हैं कि बंदा जो है ना कितने ज़्यादा करेक्टर में इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट की तरफ आएँ तो ये हैरी पॉटर से निकल कर आ रही है। हमें वार्नर ब्रोज में हैरी पॉटर की एक टीवी सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है, जिसके हवाले से लेटेस्ट तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं आई, मगर जो वार्नर ब्रोज है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि करंटली जो है ना यहाँ पर इस टाइम कास्टिंग चल रही है, यानी कि डिफरेंट एक्टर्स को डिफरेंट करेक्टर्स के रोल में कास्ट किया जा रहा है, मतलब कास्टिंग कार्ड यहाँ पर इस टाइम ओपन है। तो अगर आप लोग भी जो है ना टीवी सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर जो है ना कास्टिंग कॉल में जा सकते हैं। और सेकंड जो बिग न्यूज़ आई है इसको लेके वो ये कि इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ये वाली जो टीवी सीरीज़ होने जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ होगी एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ से। वेल ये वाली बात एक तरह से कॉमन सेंस ही है, क्योंकि मूवीज़ लिमिटेड टाइम होता है, उसमें लिमिटेड चीज़ें ही दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि आने जा रही है जॉन विक से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट होने जा रही है। रिसेंटली यहाँ पर जॉन विक मूवी जो कि जॉन विक 1 थी उसकी 10th एनिवर्सरी थी, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए इस वाली मूवी के जो डायरेक्टर हैं चर्च स्टैंड्स की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन दी है। मगर उससे पहले एक और अपडेट निकल कर आई है कि जो जॉन विक की एक प्रीक्वल एनिमी यहाँ पर बनने जा रही है, और ये जो प्रीक्वल एनिमी मूवी होने जा रही है, और ये जो मूवी है ये यहाँ पर फोकस करेगी उस इम्पॉसिबल टास्क को जो कि जॉन विक ने यहाँ पर किया था, उसको करना था रिटायरमेंट के लिए। अगर आप लोगों ने जॉन विक की स्टोरी पता है तो आप लोगों को पता होगी। बाय द वे वैसे मैंने जॉन विक की जो कंप्लीट इसका ओरिजिन है उस पर वीडियो बनाई है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो वेल हमें जॉन विक की एक प्रीक्वल एनिमी भी देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं उस जॉन विक 5 की अपडेट से। तो यहाँ पर चैट स्टैंसकी ने जो है ना अपडेट्स दी है। सबसे नंबर 1 पे तो इन्होंने ये बोला है कि यस जॉन विक 5 जो है ना हैपनिंग में है, हमें ये ज़रूर देखने को मिलेगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसके लिए 2 से 3 आइडियाज़ भी हैं हमारे पास, मगर इस टाइम जो है ना यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा अर्ली प्रोसेस में हैं, हम बस देख रहे हैं कि इस वाली मूवी को हम किस तरह से बना सकते हैं। और इन्होंने जो न्यू चीज़ बोली है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जॉन विक 5 होगी वो जॉन विक 4 की जो हमें एंडिंग देखने को मिली है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगी। मतलब अगर हम जॉन विक 5 बनाएंगे भी ना तो हम उसको ऐसा बनाएंगे जो जॉन विक 4 की हमें एंडिंग में देखने को मिला था, जो जॉन विक की यहाँ पर डेथ हुई थी जॉन विक 4 में, जो कि हमें दिखाया ऐसा गया है कि उसकी डेथ हो गई है, उसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो वेल यहाँ पर मुझे भी ये लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा, हमें मे बी कोई स्पिन ऑफ टाइप चीज़ देखने को मिल सकती है। वेल ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि वो जॉन विक 5 को यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं। अगली अपडेट पर आ जाते हैं जो कि टॉम क्रूज़ से जुड़ी हुई एक अपडेट है। वेल हम सब काफ़ी जानना चाह रहे होते हैं कि टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल से हट के कौन सी मूवी आने जा रही है, और आप लोगों को इस वाली चीज़ का भी पता होगा कि टॉम क्रूज़ और वार्नर ब्रोस दोनों ने एक साथ जो है ना डील साइन की है कि कैसे टॉम क्रूज़ वार्नर ब्रोस के लिए 30 फिल्म्स बनाएंगे। तो वेल उसी जो पहली मूवी है उसका जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने इसी एक मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट होने जा रही है, और ये वाली मूवी वार्नर ब्रोस की तो होने जा रही है, और साथ साथ जो लेजेंडरी स्टूडियोज है जिसकी गोडजिला हमें मूवी देखने को मिलती है वो भी यहाँ पर इस वाली मूवीज को प्रोड्यूस करेगा। और सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, इस वाली मूवी को डायरेक्ट कर ले नन अदर देन एलिजेंड्रो गोंजेरियस इनेट्रो, आई होप मैंने नाम का सही प्रोनाउंस किया हो, और इन्होंने द रेवेनेंट जैसी मूवीज़ को भी डायरेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं कास्ट की बात करता हूँ जहाँ पर हमें सैंड्रा ह्यूलर, जॉन गुडमैन, माइकल स्टर्बर, जेसी प्रीमर्स और सोफिया वाइल्ड देखने को मिलेंगे, तो वेल ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैं तो टॉम क्रूज़ को जो है ना मिशन इम्पॉसिबल से हट के इनके जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल उनको समझता हूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा देखना होगा कि टॉम क्रूज़ हमें वार्नर ब्रोस की जो रिटर्न अपना कमबैक करने जा रहे हैं वार्नर ब्रोस में वो इनका कैसा होता है। तो वेल ओवरऑल वीडियो में ये था, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।